सबसे पहले मैं आप सब लोगों को अपनी तरफ से प्यार भरा सलाम। मैं लोन एजाज अवामी इत्तेहाद पार्टी से वाबस्ता रखता हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ मोहतरम ताज मोहिद्दीन साहब, जो DDC पूरी है, उसने आज एक प्रेस बाइट दी है इंजीनियर रशीद साहब पे। मैं ताज मोहिद्दीन से अदबन ये कहना चाहता हूँ, क्या आप लोग खुश नहीं हो कि इंजीनियर रशीद साहब जेल से बाहर आए? आज 3.5 साल हो गए इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल में। क्या आप लोगों को ये खुशी नहीं हो रही है कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए? ताज साहब, मुझे बताइए, आपके पार्टी कांग्रेस, NC, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, क्या आप लोगों ने कभी उसके लिए बात की? कभी नहीं की। आप लोग नहीं चाहते हो कि इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए। आज आप उंगलियां उठा रहे हो इंजीनियर रशीद साहब पे। पहले तो आपकी जगह जेल में होनी चाहिए। जब आप PH के मिनिस्टर थे तब आपने कितने घपले किए? आज आप तो बड़े बड़े दावे कर रहे हो। आज आप कोई उड़ी याद आ रही है? मैं उड़ी के लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब को 13,000 वोट दिए। रहा सवाल आप ताज साहब का, ताज साहब मुझे बताइए, जिस पार्टी से आप हो उस पार्टी का आजकल इस हिंदुस्तान में वजूद ही नहीं है, तो आप तो दावे कर रहे हो, आपको हुआ क्या है? आपके कुलीग थे इंजीनियर रशीद साहब, जब आप MLA थे इंजीनियर रशीद साहब भी MLA थे, आपको चाहिए था कि आप बात करें उसके लिए, लेकिन बदकिस्मती ना आपने बात की, उल्टा इल्जाम। मैं अदबन आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जबान पे कंट्रोल रखिए। और मैं ये वाजा करना चाहता हूं, आपकी जगह तो जेल में होनी चाहिए। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब या अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, आप पे वो इन्वेस्टिगेशन करें। और लोगों से भी मेरी ये गुजारिश है, हाथ जोड़ के पूरी कौम से मेरी गुजारिश है, देखिए ये लोग नहीं चाहते हैं इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए, चाहे इसमें PC है, चाहे NC हो, चाहे PDP हो, इन लोगों की तो छुट्टी हो जाएगी। ये लोग नहीं चाहते हैं इंजीनियर रशीद साहब बाहर आए। आज 3.5 साल हो गए इंजीनियर रशीद साहब को तिहाड़ जेल में। क्या कभी किसी ने पूछा उसके फैमिली को? क्या कभी कोई उसके घर गया? कोई नहीं गया। ये लोग यही चाहते हैं इंजीनियर रशीद साहब तिहाड़ जेल में रहे। ये लोग ये नहीं चाहते कि वो बाहर आए, क्योंकि इनकी जमानत जब्त हो जाएगी खुदा के फजल करम से। इंजीनियर रशीद साहब वो शख्स है, इंजीनियर रशीद साहब वो लीडर है, इंजीनियर रशीद साहब वो वाहिद कश्मीर में एक लीडर है जो लोगों के दिलों पे राज करता है। और ये बात मैं ताज मोहिद्दीन साहब को कहना चाहता हूँ। अरे ताज मोहिद्दीन साहब, जिस पार्टी से आप बिलोंग करते हो वो पार्टी एक खतरनाक पार्टी है, जिसने कश्मीरियों का बेड़ा कर दिया। आप लोगों ने तो अफजल गुरु की लाश भी वापस नहीं दी। इतनी BJP आगे से वार कर रही है, आप तो पीछे से वार कर रहे हो। और BJP का स्टैंड ही वही है, BJP जो कहती है वो करती है। आप लोगों ने तो हमें कहते हैं ना वो गैरों से आजाद हुए तो उम्र हुई, अपनों से आजाद ना जाने कब होंगे। जिन अपनों ने हम सबका ये हाल किया वो अपने बर्बाद ना जाने कब होंगे। इंशाल्लाह आप लोग तो जरूर बर्बाद हो जाओगे, चाहे NC वाले हो कोई, चाहे PDP वाले है कोई, चाहे आप कांग्रेस हो। मैं आपसे फिर एक बार ये कहना चाहता हूं, आप अपने जबान पे लगाम दीजिए, किसी पे मत उंगलियां उठाए। आप तो एक करप्शन में फंसने वाला आदमी है, इंशाल्लाह आपकी जगह भी जेल में होनी चाहिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।